सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज 1196 है। आज मैं करने वाला इतने बड़े इसके अनबॉक्सिंग। ये कुछ प्रोडक्ट ऐसा खास है कि ये हमारे यूट्यूबर्स के लिए और टिकटॉक वीडियोस बनाने वालों के लिए एक बड़े काम की चीज़ है, स्टेबिलाइजेशन के लिए, अच्छे फोकस वाले वीडियोस आने के लिए। बाय द वे, सबको हैप्पी दिवाली। तो थोड़े बीच बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक ढाम डुम आने वाले हैं, तो थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा। तो बिना समय का इसके अनबॉक्सिंग कर ऑलरेडी मैंने अनबॉक्सिंग कर दी है, क्योंकि प्रोडक्ट चेक करना पड़ता है, क्योंकि इसके पहले जो मेरे पास प्रोडक्ट्स आए थे वो मैंने शायद मेरे पिछले वीडियो में आपको बता ही दिया था कि क्या हुआ था। वो टूटा हुआ आया, डिफेक्टेड आया, वो बात की बात है। तो दूसरी बार जब मैंने उसको मंगाया फिर भी वो ऐसे ही आया, लेकिन फ्लिपकार्ट ने मुझे उसका रिफंड कर दिया। उसके बाद मैंने फिर अमेजोन से एक मुझे डिजिटेक का प्रोडक्ट पसंद आया था, वो मंगाया था। तो डिजिटेक का वो ट्राइपॉड है जो मैं अभी आपके सामने अनबॉक्स करूँगा, आप खुद ही देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो कुछ पैकिंग इस तरह से बॉक्स की, ओके डन डन खत्म हो गया, तो वापस बोलता हूँ बॉक्स की और एक बार बोलता हूँ बॉक्स की जो कंडीशन थी फिलहाल बाहर से तो खराब थी, लेकिन मुझे अंदर प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बहुत ही टकाटक आया है। और कितना बड़ा है देखो, और अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे ऐसा ऐसा हिलते हुए शेकी नहीं आएंगे। तो इसको रखते हैं बाजू में। तो फिलहाल देखो अंदर और क्या क्या है इसके। तो बहुत सारे ऐसे पेपर्स दिए हैं, क्योंकि आपको पता है वो बबल वाला अभी शायद बैन हो गया रहेगा, इसके लिए इन लोग ने बंद किया है। तो इसके अंदर एक है जो मेरा छोटा सा बिल, जो कि है 1299 रुपीज़ में मुझे डिजिटेक का पड़ा ट्राइपॉड। से स्टॉप ले दो, हैप्पी दिवाली। तो मैं ये बड़े से बॉक्स को रख देता हूँ बाजू में और शुरू कर देता हूँ कुछ इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए आपको। तो इसका नाम है डिजिटेक और ये मॉडल नंबर है कुछ तो DTR550LW। तो इसकी मैंने अनबॉक्सिंग ली है, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही पसंद आया पर्सनली, अब अगर आप पूछोगे तो। और इसके भी रिव्यूज़ अगर आप जाके चेक करोगे तो सबने बहुत अच्छे दिए हुए हैं। तो इसके कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे, तो आप देख लो, मुझे शायद बताने की ज़रूरत भी नहीं, आप बहुत स्मार्ट होगी, आप समझ ही जाओगे क्या है। तो खोलने के टाइम पे मैं आपको इसके बारे में और बता ही दूंगा। तो चलो बिना वक्त गवाए मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से ओपन होता है। इसके अंदर आती है पहले एक प्लास्टिक बैग, और प्लास्टिक बैग के अंदर आता है, थोड़ा और स्टॉप लेते हैं, ख़त्म। हाँ, तो प्लास्टिक बैग के अंदर आता है इसके और एक बैग, जिसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। तो ये बॉक्स हो गया है एम्प्टी, तो इसको मैं बाजू को रख देता हूँ। जिस तरह की एक प्लास्टिक बैग आती है उसको बाजू में रख देते हैं। और ये इस तरह के कुछ मस्त प्रीमियम क्वालिटी का ये पैकिंग और इसका है, जो कि एक स्टैंड में है, जैसे कि देखो टडा, इसको लेके मैं कहाँ पे भी जा सकता हूँ। तो चलो पहले अंदर प्रोडक्ट क्या है वो भी आपको दिखा ही देते हैं। वाह, ये वॉक सिर्फ आपको लेके जाना, मेरे को पहले मुझे वॉक आ चुका था। तो इसके अंदर और एक प्लास्टिक बैग में ये पैक होके आता है। तो कुछ इस तरह की इसकी क्वालिटी है, यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग की गई है, और ये 3 स्टेप्स में ओपन होता है। यहाँ पे आपको लिक्विड में एक बबल रहता है, जिससे आपको मतलब सेंटर में आपका कैमरा खड़ा है कि नहीं प्रॉपर वो समझ में आता है। देन यहाँ पे ये क्लिप है, जिसको आप यहाँ से अनलॉक करते ही कैमरा आप इजीली इससे बाहर कर सकते हो। और इसके साथ सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे लगा वो ये कि आप कैमरे के नीचे लगा के आप यहाँ से इसको टाइट कर सकते हो, ना कि ऊपर से बैठ के कैमरा आपको रोल करना है। तो ये मुझे सबसे अच्छा फीचर लगा इसका। इसको है वैसे, हम इसको अंदर फिट कर देते हैं, थोड़ी सी मेरे साथ मस्ती हो रही है और ये लग गया। तो इस तरह से इसको अभी छोड़ के लॉक करना है। तो ये ऐसे ओपन करते हैं, यहाँ पे ये एक लॉक है जिसको आप टाइट कर दोगे तो ये यहीं पे स्टेबल हो जाएगा, हिलेगा नहीं। और इसके साथ ये ऊपर लिया, तो ये जो है इसको आप अगर ढीला करोगे तो ये ऊपर नीचे इजीली हो जाएगा, और सिर्फ इसको टाइट करोगे जहाँ पे आप चाहिए तो वहाँ पे, तो ये टाइट हो जाएगा और ये इजीली सब जगह पे घूम सकता है, जो कि मैं आपको एक यही वीडियो को अटैच करूँगा। और हाँ, ये वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है, तो प्लीज़ बने रहिएगा, क्योंकि आपको
प्रोडक्ट के बारे में और प्रोडक्ट में क्या देखना है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं वीडियो इतना बड़ा कर रहा हूँ। फिलहाल तो मैं बहुत पसीने से हमेशा की तरह भीग गया हूँ। तो ये जो है आप देख रहे हो, ये पूरा अच्छी तरीके से घूम रहा है। देखो कहीं से भी कितना भी मैं गोल गोल घुमाऊँ, थैंक यू, कहीं पे भी मैं कितना भी गोल गोल घुमाऊँ तो ये गिरेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक सेटिंग बहुत ही बढ़िया दी हुई है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये प्रोडक्ट यहाँ से टाइट होता है ऊपर से, तो इस कैप में ये अच्छी तरह से बंद होता है। तो आप देख सकते हो क्या फोकस हो चुका है मैडम, ओके। तो आप ये देख सकते हो कि इसकी वजह से ये स्टेबल है, आपका कैमरा गिरने के चांसेस कम है। जो पिछले मेरे प्रोडक्ट में मैंने देखा था, मुझे बहुत ही वो महंगा पड़ते पड़ते मैं रह गया हूँ, वो कुछ इस तरह से है। फिर बाद में आप इससे इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हो, और इसकी कुछ हाइट है बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे मेंशन की गई है 5.57 फीट। ये बहुत ही बढ़िया हाइट है एक इंडियन एवरेज हाइट के यूट्यूबर्स के लिए, या फिर टिकटॉक के लिए, या फिर फोटोग्राफर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा लंबे हैं भाई, उनको तो कुछ और ढूंढना। थैंक यू, बहुत फटाके फूट रहे, तो हैप्पी दिवाली वंस अगेन, उस बंदे को भी हैप्पी दिवाली। तो अभी हम इसके स्टेप्स ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये पहला, क्योंकि ये इतना बड़ा होता है, तो फिलहाल अभी इसकी हाइट आप देख सकते हो इतनी हो चुकी है। मैं इसको जमीन पे रख के भी आपको दिखाऊंगा बाद में कि इसकी टोटल हाइट कितनी जाती है। तो ये होने के बाद इसके पास और भी है, तो आप देख सकते हो अभी इसकी हाइट जो है वो, इसके ऊपर बैटरी भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको नीचे रखते हैं, फिर आपको इसकी हाइट दिखा देते। सो मैंने अभी इसको पूरी तरह से ओपन कर लिया है, तो अभी आप इसकी हाइट देख सकते हो, कैमरे में फिट भी नहीं हो रही है, तो कुछ इस तरह से इतना बड़ा है जो मुझे दूर से शॉट लेना पड़ रहा है। तो नज़दीक से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ इस तरह से इसके लॉक्स है, यहाँ तक। तो इतने हाइट पे जाके फिर आपको बाकी का काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं बाकी के फीचर्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे एक ये प्लास्टिक का हैंडल, तो आप देख सकते हो, तो ये आपको स्टैंड उठाने में बहुत आसानी देगा। और हाँ, इसके साथ ही मैं बताने को भूल गया कि ये बहुत ही लाइट वेट, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। आप मतलब फील ही नहीं कर पाओगे कि ये इतना लाइट वेट है, मतलब सोच भी नहीं सकते कि इतना, मतलब देखने पर ऐसा लगेगा कि ये बहुत हैवी होगा, बट ये बिल्कुल भी हैवी नहीं। जिस तरह से इन्होंने अपने बॉक्स पे लिखा है कि ये लाइट वेट है करके, तो कुछ उसी तरह से ये लाइट वेट है। तो यहाँ पे प्लास्टिक का हैंडल है पकड़ने के लिए आपको, और एक फीचर है जो मैं अभी आपको दिखाना चाहूँ कुछ इस तरह से। तो ये वाला जो है, इसमें अगर इसको अपन ढीला कर देंगे तो ये यहाँ से आप शूट कर सकते हो टेढ़ा करके। तो कुछ ऐसे इसमें फीचर्स है। बाकी के आप प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जानना चाहते हो, तो क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बढ़िया प्रोडक्ट है और इतने कम कीमत में अच्छा प्रोडक्ट सिर्फ यही शायद मेरे को लग रहा है कि मार्केट में है, तो आप ले सकते हो। और इसके रिव्यूज़ और भी जगह पे आप देखोगे तो बहुत बढ़िया है। तो कुछ इस तरह से इसको टाइट कर भी सकते हो, तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बारलुक आप देख लेना, बाकी का भी मैं आगे का शूट इसके ऊपर कैमरा माउंट करके आपसे बातें करता हूँ। सो अनबॉक्सिंग आपने देखी ली, मैंने प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी भी दे ली कि किस तरह से है, और अभी फ़िलहाल मैंने उसी स्टैंड पे मेरा कैमरा माउंट किया है, तो आप देख सकते हो कि कितना मतलब स्टेबल अभी वीडियो आपको लगता रहेगा। पहले शेकी शेकी था, तो अभी आगे से अपने वीडियो कुछ इस तरह से अच्छे आएंगे। तो सबसे पहले मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स को, कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे वीडियोज़ को देख के लाइक किया है, और सब्सक्राइबर्स बढ़ाते भी जा रहे हैं। एक सब्सक्राइबर थे जिनका मैं सॉरी नाम भूल गया, उन्होंने कमेंट्स में भी बोला था कि मैंने आपके लिए 15 फ्रेंड्स को आप शेयर किया वीडियो और सब्सक्राइब करने के लिए बोला, तो थैंक यू सो मच, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया, अभी मैं देखना पड़ेगा। और बाय द वे, कमेंट्स का अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो बुरा मत मानना, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो रहे कि बहुत सारे कमेंट्स मैं देख रहा हूँ कि डिलीट हो रहे हैं मेरे, पता नहीं कैसे हो रहे। अगर कोई है जो यूट्यूबर अगर मेरा वीडियो देख रहा है जिसको इसके बारे में जानकारी है कि ऑटोमेटिक वीडियो मतलब कमेंट्स डिलीट क्यों हो रहे हैं,
तो प्लीज़ ज़रा मुझे वो बता देना कि क्या है, कमेंट्स बॉक्स में भी बोल सकते हो या फिर मैंने अपना ईमेल आईडी शेयर किया हुआ है, तो प्लीज़ उस पर कोई मेरी हेल्प कर दो और मुझे बता दो कि वो क्या है। और बहुत सारी सीरीज़ और आने वाली है, जैसे कि बाइक की भी मैं चालू करने वाला हूँ, बाइक के रिव्यूज़ वगैरह करना, नए नए मॉडल्स दिखाना, तो बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, क्योंकि यार बहुत मेहनत करते हैं हम लोग एक वीडियो बनाने के लिए, उसके पीछे बहुत इन्वेस्टमेंट भी होता है और उतना बाहर आ नहीं पा रहा है, तो और भी वीडियोज़ आने लिए अच्छी क्वालिटी के बनने के लिए आप करिए। और मेरे एक फ्रेंड है जिसका नाम है सिद्धेश करके, तो स्पेशल थैंक्स सिद्धेश, तो मराठी में थोड़ा बोलतो कि तू मला खूप मदत केलीस, माझे सब्सक्राइबर्स वाढवलेस, म्हणून तुला थँक यू बोलतो, मनापासून तुझा खूप आभारी आहे। तो मेरे एक फ्रेंड है सिद्धेश, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को वगैरह बोला, तो मैंने एक प्लान किया है उधर के उसके फ्रेंड्स लोग के लिए भी, एक मैंने बीच में बोला था मीटअप, तो बहुत जल्दी मतलब हो रहा है, मेरा नज़दीक आ रहा है, तो मैं करूँगा वो मीटअप जो मैंने बोला है वो मैं करने वाला हूँ। तो बाकी की जानकारी मैं देना ये चाहता हूँ कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बोला था कि जो पॉलिसीज है वो ज़रा ठीक से पढ़ो, कुछ कुछ चीज़ों में बोला रहता है कि रिप्लेसमेंट मिलेगा, किस में बोला रहता है कि रिफ़ंड मिलेगा, तो वो पॉलिसी कुछ ऐसे कि फर्स्ट टाइम आपके पास आता है तो आप वो पहले पढ़ो, उसमें लिखा ही रहेगा कि रिप्लेसमेंट और रिफ़ंड करके, तो रिप्लेसमेंट लिखा रहेगा तो 10 days का कुछ टाइमिंग रहता है, उसके अंदर अगर आप करोगे तो आपको रिप्लेस के लिए वो लोग बोलते हैं, लेकिन वापस आपको अगर ख़राब भी प्रोडक्ट आ रहा है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको नहीं चाहिए, तो सेकेंड टाइम के अटैम्प में आप बता सकते हो कस्टमर केयर को कॉल करके कि ये प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं आया, प्लीज़ ये चेंज कर दो, तो उसका डेफिनेटली आपको रिफ़ंड आएगा ही। और फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन कुछ ऐसे है कि वो आपकी बातों पे ज़्यादा ध्यान देते और आपको सपोर्ट करते, मुझे तो अभी तक हुआ है सपोर्ट, और जो मैंने प्रोडक्ट किया है वो मेरी ये बातें ख़त्म होती है, मैं वो वीडियो उसको अटैच करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि वो प्रोडक्ट में क्या खराबी थी, तो आपको किस में ज़्यादा मतलब ध्यान देना है, और ये प्रोडक्ट के लिए मैं क्यों गया, क्योंकि वो भी मैंने अभी आपको बता ही दिया कि क्या है। तो रिस्क उतना कम है कि कैमरे की लाइफ आपके लिए बहुत सिक्योर करना है, आपको कैमरे लाइफ टाइम रखना है या फिर उसकी लाइफ सेव करनी है, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना, इसके लिए मैंने ये चीज़ें आपको बताई, शायद ही किसी ने ये बताई होगी, तो ये देखना, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आगे देखिएगा इसी वीडियो में कि अभी क्या हुआ था, बाय। तो हेलो फ्रेंड्स, तो ये मैंने कोडक का जो मंगाया था उसके प्रोडक्ट के बारे में मैं बताना चाह रहा था आपको कि मुझे मतलब क्या डिफेक्टेड आया। यहाँ से तो ये पूरा रॉड रस्टी है, आप ठीक से देख सकते हो तो देख लो प्रॉपर। क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट बहुत ही स्ट्रांग है, और देखो कुछ इस तरह से मैंने अच्छा हुआ पकड़ के रखा था, ये कुछ इस तरह से यहाँ से डिस्कनेक्ट हो रहा है। उस दिन इसी तरह मेरा कैनन 200D गिरते गिरते बच गया, मेरा बहुत नुकसान होता था, मैं बच गया हूँ नसीब, मैंने उसका बेल्ट मुझे पकड़ने की आदत है 200D की, तो मैंने पकड़ के रखा था, तो ये कुछ इस तरह से मुझे डिफेक्टेड पीस मिला है शायद, या फिर इनका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव हो सकता है, आप देख सकते हो। तो आप कोई भी प्रोडक्ट अगर और स्टैंड्स कुछ और ट्राइपॉड्स अगर बाय कर रहे हो तो ये वाला चीज़ प्लीज़ ध्यान देना, नहीं तो आपका 1.5 लाख का, 2 लाख का, 50,000 का, जो भी इतना महंगा महंगा जो कैमरा है उसको आप गवा सकते हो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कोडक के बारे में, मैंने बहुत इनका नाम सुना था कि प्रॉपर और हेल्दी है इनके, मतलब स्ट्रांग है ट्राइपॉड्स, बट आप इसकी क्वालिटी और फिनिशिंग देख सकते हो, बहुत ही प्रीमियम है, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। यहाँ पे स्पंज लाइट वेट, कैपेसिटी भी ज़्यादा है, शायद हो सकता है मुझे डिफेक्टेड पीस आया हो, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जूम किया है, तो प्लीज़ इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके साथ ना हो। तो ये वाला चीज़ जो है जहाँ पे ये आपका हेड माउंट होता है, इन चीज़ों पे आप ज़रा ध्यान दो, ये जो है इसका वो लॉक सिस्टम में ही है, लॉक के बाद ही ऑटोमेटिक इस तरह से घूमता है, बट अगर ये डायरेक्शन में जा रहा है तो यार डायरेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो ये इसमें प्रॉब्लम है मेरे वाले प्रोडक्ट में। अभी अगर इसको देखा जाएगा, अगर बाकी के प्रोडक्ट भी अगर इन्होंने इस हिसाब से बने तो इन फ्यूचर कभी ना कभी ये वापस से प्रॉब्लम आएगी ही, तो प्लीज़ आप ध्यान देना नेक्स्ट आप जो भी प्रोडक्ट्स लोगे, लेकिन कोडक का नाम बहुत अच्छा है और इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, प्रीमियम है, टफ है, बहुत ही अच्छा है, लाइट वेट है और 175 सेंटीमीटर है,
तो इसको मैं ज्वाइन करूँगा, मेरा जो वीडियो मैंने इस पर बनाया था वो, और वो नई लॉन्च करने के पीछे का रीज़न ये था जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि इसकी वजह से मैंने लॉन्च नहीं किया, क्योंकि अभी मेरे व्यूवर्स जो है वो 9,000-10,000 तक है जो देखते हैं मेरे वीडियोज़ को और बाय भी करते हैं, वो कमेंट्स में मुझे समझता भी है कि वो मेरे वीडियोस देख के बाय करे, तो मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि पूरे डिटेल्स में मैं आपको अच्छे से बताऊं, ना कि किसी कंपनी की झूठी तारीफ करके आपको दूं, जो है वो आपके सामने है।